Parents, now it's time to revise sleeping lines in the notebook. Parents, we are doing practice of these patterns in notebook with dot and pencil because when we will start introducing letters, जब भी हम letters और alphabet introduce करना शुरू करेंगे तब बच्चे pencil और notebook से used हो जाएंगे and they will know how to write the letter in between these lines. एंड पेरेंट्स, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी होता है. हम उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि चलो ये दो डॉट्स है और इसको ज्वाइन कर लो और ये स्लीपिंग लाइन बन गई. नहीं, कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले एक्टिविटी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड एक्टिविटी भी ऐसे फन वाली होनी चाहिए, है ना, तो बच्चे इंजॉय कर सके उस एक्टिविटी को. एंड एक्टिविटी ऐसी भी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमारा टॉपिक अलग है और एक्टिविटी कुछ अलग ही है, ऐसा नहीं है. तो हमेशा टॉपिक के अकॉर्डिंगली ही हमें एक्टिविटी करनी है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे उसको एंजॉय करें. सो फॉर टूडे टेक वॉटर कलर एंड लेट द चिल्ड्रेन मेक स्टैंडिंग लाइन विथ देयर फिंगर लाइक दिस. यस, है ना. और इसके साथ साथ हम उनको कलर्स का भी रिविजन दे सकते हैं, है ना. सो दिस इज अ पिंक कलर, है ना चिल्ड्रेन. एंड नाउ मेक अनदर स्टैंडिंग लाइन बिसाइड द फर्स्ट लाइन, है ना. और दूसरी भी हमें स्टैंडिंग लाइन उसके साथ में बनानी है. ये हमारी दो स्टैंडिंग लाइन बन गई. एंड नाउ टेक अनादर कलर चिल्ड्रेन, टेक अनादर कलर. नाउ मेक वन मोर स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस. यस, और एक स्टैंडिंग लाइन हम इसके साथ में बनाएंगे. और ये कौन सा कलर है चिल्ड्रेन? ये दिस इज अ ग्रीन कलर, है ना. ये ग्रीन कलर है और ये पिंक कलर है, है ना. सो हमने ये स्टैंडिंग लाइन्स बना दी. विच लाइन वी हैव मेड? यस, दीज आर स्टैंडिंग लाइन्स. एंड नाउ चिल्ड्रेन टेक अ क्रेयॉन एंड मेक अ स्लीपिंग लाइन टू जॉइन दीज टू स्टैंडिंग लाइन्स. यस, मेक वन मोर स्लीपिंग लाइन लाइक दिस. और भी हम स्लीपिंग लाइन्स बनाते हैं. चलो, आप कितनी स्लीपिंग लाइन बना सकते हो आप बना लो. ये हम लोग क्या बना रहे हैं आपको पता ही है ना, स्लीपिंग लाइन्स. चलो यहाँ पे भी हम स्लीपिंग लाइन बना लेते हैं, है ना. सो लेट्स मेक अ स्लीपिंग लाइन टू जॉइन दीज टू स्टैंडिंग लाइन्स. यस, हमने ये स्लीपिंग लाइन बना ली, है ना. कितने स्लीपिंग लाइन्स हमने बना ली? बहुत सारे स्लीपिंग लाइन हमने बना ली. और चिल्ड्रेन, कैन यू सी ये किसके जैसी दिख रही है? यस, ये लैडर्स के जैसी दिख रही है, है ना. ये पिक्चर किसके जैसा दिख रहा है? लैडर्स के जैसा दिख रहा है. यस, एंड नाउ चिल्ड्रेन टेक अ पेंसिल एंड नाउ पेरेंट्स मेक टू डॉट्स फॉर स्लीपिंग लाइन लाइक दिस. आपको रेड लाइन के नीचे वाली जो ब्लू लाइन है, सेकंड लाइन है, उस पे आपको इस तरह से दो डॉट्स बनाने हैं स्लीपिंग लाइन के प्रैक्टिस के लिए. एंड आप बीच में ऐसे वर्टिकल लाइन भी बना सकते हो ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो डॉट के लिए, है ना. तो आप इस दो पेज पे इस तरह से डॉट बना के लेना. एंड लेट द चाइल्ड ज्वाइन दिस डॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और ये स्लीपिंग लाइन बन गई. ज्वाइन दिस डॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. और ये काम आपको पेंसिल से ही करना है बच्चों. ये स्लीपिंग लाइन आपको पेंसिल से ही बनानी है और आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, है ना. एंड नाउ आपको ये पीडब्ल्यू भी करना है, प्रैक्टिस वर्क भी करना है, भाई पूरा पेज आपको खत्म करना है. ऐसे डॉट्स आपको ज्वाइन करके
स्लिपिंग लाइन बना के, है ना। और आपको तो पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे स्लिपिंग लाइन बनाने में, है ना, अपना काम करने में। यस एंड फिनिश दिस वर्क चिल्ड्रेन लाइक दिस। यस, और ये हमारे स्लिपिंग लाइन विद डॉट्स इन नोटबुक बन गई, है ना। सो बाय बाय चिल्ड्रेन एंड थैंक यू पेरेंट्स।